So good afternoon all. From today we are going to discuss some very important questions on every topic, every subject of UPPCS syllabus, which are very important for forthcoming UPPCS examination, preliminary examination. So hum series start karenge polity, geography, economics, current affairs, UP special, census kar lenge, demography kar lenge. तो अदरवाइज आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द टेस्ट सीरीज विच वी आर ऑपरेटिंग इन आकारा आईएएस जो प्रीलिम्स के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वहां से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और पहले जो क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में पूछे थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे. तो अराउंड मुझे लग रहा है पॉलिटी में अगर हम 300 से 400 बाकी सब्जेक्ट्स में भी 300 से 400 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो दैट विल सफाइस. आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मोर ऑर लेस क्वेश्चन आपको इसी के आसपास मिलेंगे. मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही सवाल मिलेंगे लेकिन इसके आसपास आपको ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एटली जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो क्वेश्चन आपको इसी के आसपास मिलेंगे. ठीक है तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें भारतीय संविधान को प्राय जीवन दस्तावेज कहा जाता है. ठीक है एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन. ढेर सारे कारण हैं इसके. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू सूट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी. तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 368 और अनुच्छेद 368 में प्रावधान है कि भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं. हालांकि केशवानंद केस के बाद ये थोड़ा सा क्लैरिटी, उससे पहले विवाद था कि संविधान के किस भाग में संशोधन किया जा सकता है, कहां संशोधन नहीं किया जा सकता है. तो गोलकनाथ केस से पहले लगभग ये एक्सेप्टेंस थी जुडिशरी में कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अल्टर्ड. लेकिन गोलकनाथ केस में चीजें बदल गई थी आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि नहीं मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है संविधान की जो संशोधन संविधान में संशोधन की जो शक्ति है संसद के पास अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इंक्लूड टू बेसिकली अमेंड द फंडामेंटल राइट इन पार्ट थ्री. लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती केस में यह भी हो गया कि भाई नहीं संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते जो संविधान की मूल संरचना है मूल ढांचा है जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो अमेंडमेंट किया जा सकता है दिस इज वेरी राइट. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंटरप्रिटेशन बाय बोथ द पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशरी. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंटरप्रिटेशन. तो ठीक है लेजिस्लेचर के पास सफिशियंट पावर्स हैं कि वो लॉ बना सकती है इंटरप्रिटेट कर सकती है एज वेल एज जुडिशरी विच इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो जुडिशरी है न्यायपालिका है उसको संविधान का संरक्षक माना जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअली सी दैट इज बोथ वन एंड टू. ठीक है आसान सवाल है. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. भारत के संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं. ये बहुत आसान है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था भाई. ठीक है इंस्ट्रूमेंट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने उठाया और डीपीएसपी पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उस समय परिस्थितियां शायद ऐसी नहीं थी कि इन चीजों को हम लागू कर पाते. तो राज्य के लिए निर्देशक तत्व है नाम से ही क्लियर है. दे आर बेसिकली डायरेक्टिव्स फॉर द स्टेट दैट इन फ्यूचर व्हेन वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज जब हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर हो जाएगी कि इन डायरेक्टिव्स को हम सोसाइटी में अप्लाई कर पाएंगे. जैसे अब बात हो रही है कॉमन सिविल कोड की तो हो सकता है अगर 1950 में इसको लागू किया जाता तो समाज उतना ज्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं करता उतना एक्सेप्टेबल नहीं था. लेकिन अब धीरे धीरे देखो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की. तो कुछ नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए बिल्कुल सही बात है. वह नीतियां जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करती हैं वेरी राइट. मूल अधिकारों से इतर लोगों को प्रदत्त कुछ अधिकार. ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल राइट्स हैं लेकिन जो डीपीएसपी हैं वो सोशल राइट्स हैं इकोनॉमिक राइट्स हैं. तो ये भी राइट्स ही हैं हालांकि सामूहिक राइट्स हैं एज सच इंडिविजुअल राइट्स नहीं है लेकिन कलेक्टिव राइट्स हैं. ठीक है तो इसका आंसर डी अगेन. तीनों क्वेश्चन सही तीनों जो स्टेटमेंट है सही है. इसी टाइप के छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन आपको
20-30% मिलते हैं। तो आज क्योंकि पहली क्लास है, इसलिए हमने आसान सवाल ही लिए हैं। धीरे धीरे सवालों का स्तर बढ़ाएंगे और अच्छे सवाल आपसे डिस्कस करेंगे। फेडरेशन, तो जब हम बेसिकली फेडरेशन की बात करते हैं, हालांकि आर्टिकल में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, हिंदी में संघ लिखा है। फिर पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि फेडरेशन में, यूनिटरी फॉर्म में क्या डिफरेंस है, फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा ये सब। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल टीनेट ऑफ बीइंग ए फेडरल स्टेट, एंड द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, एक सदन लोकसभा है, एक सदन राज्यसभा है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फेडरेशन शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया हुआ है, जैसा मैंने आपसे कहा आर्टिकल वन में लिखा है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो उस समय कुछ कहना चाह रहे थे शायद फेडरेशन ना लिख के यूनियन लिख के। वो आपको समझाया हुआ है कि यूनियन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया, देखो भारत अगर यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए में पहले राज्यों का एग्जिस्टेंस था, राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया, ठीक है, पहले राज्य थे, राज्य मिलकर उन्होंने एक संघ बनाया। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले भारत का निर्माण और उसके बाद भारत से राज्य बने। तो भारत में राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते हैं, राज्यों के पास ये प्राधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो जाए। यूएसए में शायद ऐसा हो सकता है, तो वहां हम बोलते हैं कि वहां ज्यादा फेडरेशन है, हमारे यहाँ कम फेडरेशन है, क्वासी फेडरेशन की कभी कभी बात करते हैं, तो मेंस की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे है, तो लिखा भी देखो थर्ड ऑप्शन भी वही है कि अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया गया है। तो क्वासी फेडरल केसी वेयर का स्टेटमेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो हमको पता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो इट कैन रिकॉल ए केस पेंडिंग इन ए सबॉर्डिनेट कोर्ट, वेरी राइट। तो हाई कोर्ट किसी भी केस को, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट किसी भी केस को जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है उसे अपने पास बुला सकता है। कई बार आप देखते भी होंगे कि कुछ केस जो है लखनऊ जिला न्यायालय में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं हम सुनेंगे इस केस को, ठीक है। इट हैज द पावर टू रिव्यू एंड अमेंड इट्स ओन जजमेंट, बिल्कुल सही बात है, इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है कि वो अपने जो निर्णय है उनका रिव्यू कर सकती है, तो सिमिलरली अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के पास भी ठीक है अपने पहले के जो निर्णय होते हैं, ठीक है, जजमेंट्स हैं, उनका रिव्यू करने का, उनका पुनर्विलोकन करने का अधिकार है, ठीक है। देन इट हैज द पावर टू एडजुकेट केस ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट, तो ये बात गलत है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 131 आपने सुना होगा, आर्टिकल 131, तो आर्टिकल 131 आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 131 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार है, रिगार्डिंग इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन यूनियन एंड मोर देन वन स्टेट एंड बिटवीन स्टेट्स, अमॉन्ग स्टेट्स अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो इट कैन बी हर्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया और इसका ऑप्शन सही हो गया केवल 1 और 2। हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया है, तो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें किसी महान व्यक्ति ने, किसी पॉलिटिशियन ने कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे मिस्टर मुंशी, तो मिस्टर मुंशी का स्टेटमेंट है और उन्होंने प्रेमबिल को, तो आप याद रखेंगे, जैसे एक सवाल पूछा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमबिल को कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट है, कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 32 है, ठीक है। अब किसने कहा वो इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस सवाल में भी इन्हें देना चाहिए था कि मुंशी के अनुसार हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल किसे कहा गया, तो सवाल ज्यादा जेन्यून हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि बहुत सामान्य स्टेटमेंट है, हमको पता रहता है। तो के एम मुंशी ने कहा था और के एम मुंशी ने उद्देश्य का प्रेमबिल को हमारे संविधान का भविष्य फल कहा था, तो इट इज क्वाइट क्लियर, आंसर इज सी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कि आप स्वयं के विरुद्ध, आपको स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता, तो याद करिए आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 में तीन चीजें थी, एक था नो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, कि किसी भी आपराधिक कानून को भूतकालिक लक्ष्य से लागू नहीं किया जा सकता,
जैसे चोरी है, अब चोरी की सजा अभी 2 साल है, तो अगर इस सजा को बढ़ा के 3 साल किया जाएगा तो आज से किया जाएगा, लेकिन सिविल जो मामले होते हैं उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा सकता है। एक तो ये था आर्टिकल 20 में, ठीक है। दूसरा था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर अगर मैं ही कहूं कि मैंने मर्डर किया है तो मेरी जो स्वीकारोक्ति है इट कैन नॉट बी बेसिकली टेकन एज एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस की तरह नहीं देख सकते। या डबल जियोपार्टी की, एक ही अपराध के लिए किसी को बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो आर्टिकल 20 तो वैसे बहुत प्यारा आर्टिकल है, ठीक है, इसको पॉलिटी में डिस्कस किया था। तो इट इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। आर्टिकल 20 संविधान के अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32 तक हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 से 32 फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 32 में हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज पढ़ते हैं, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 33 याद करिए, आर्म फोर्स के ऊपर लिमिटेशन लगाता है कुछ, कि पार्लियामेंट आर्म फोर्स के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए, ठीक है, वो लोग जो कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन करते हैं, उन लोगों के मूल अधिकार में नियम बनाकर, कानून बनाकर, ऑब्वियसली बाय लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी से, कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 33 यही है। अब क्या कह क्या रहे हैं कि विधि निर्माण की शक्ति पार्लियामेंट को है, वेरी राइट। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा नहीं कर सकता, ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, तो बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर अनुच्छेद 33 के तहत कोई कानून बनाया जाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विधि ऐसी बनाती है संसद जो हमारे किसी भी मूल अधिकार को सीमित कर रही है, तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 33 यहीं पे कह रहा है कि अगर इस पर्पस से, अगर अनुच्छेद 33 के तहत कोई विधि बनाई गई है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल ठीक है। और ये केवल सशस्त्र बलों के युद्धक अधिकारियों के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, इवन पुलिस फोर्सेस के लिए भी है, ठीक है, ये खुफिया एजेंसियों के लिए भी है। तो देख लेना आप आर्टिकल 33, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन 3 गलत होना चाहिए और इसका ऑप्शन होगा ए। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए, तो बेसिकली राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है और 352 में 3 आधार दिए हुए हैं। हालांकि 44वें संविधान संशोधन से पहले 3 आधार कौन कौन से थे, वॉर याद करिए, युद्ध, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण, और इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी आपातकाल लगाना और उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था उसे बदल दिया गया किससे, आर्म्ड रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह से, कि अब खाली आपकी इंटरनल डिस्टर्ब है कंट्री, इस आधार पे लोगों के मूल अधिकार को नहीं छीन सकते हो। और इमरजेंसी लगाना थोड़ा मुश्किल कर दिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट से अब अप्रूवल लेने के लिए ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत हो गई, कम समय के लिए लगेगा, बार बार अप्रूव करना होगा, ढेर सारे सेफ गार्ड लिए गए इमरजेंसी के लिए, तो उसी की बात हो रही है। अच्छा, अब आर्टिकल 352 के बाद जो यहां मूल अधिकारों की बात होती है वो 358 और 359 में होती है। 358 में कि कुछ मूल अधिकार सस्पेंड होते हैं, 359 में कुछ मूल अधिकार सस्पेंड होते हैं, ठीक है। अब वहां पर है कि अगर 358 कहता है कि अगर 358 क्या कहता है कि अगर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे लगाया जाए इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाए, ठीक है, आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। 359 कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो प्रेसिडेंट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी भी फंडामेंटल राइट, अब यहां पर ध्यान रखना है मूल अधिकार निलंबित नहीं हो रहा है लेकिन कोर्ट जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, कि अगर आपका मूल अधिकार सस्पेंड कर दिया गया उससे आपको कोई डिसएडवांटेज हुआ, कोई हानि हुई, तो उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो 359 में कहा गया है। हालांकि बात वही हुई, चाहे आपका अधिकार सस्पेंड किया गया हो, चाहे उस अधिकार सस्पेंड होने से होने वाली हानि पर कोर्ट जाने का आपका अधिकार सस्पेंड किया गया हो, लगभग बात मोर और लेस एक ही है, पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चलो देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं, 358 में सस्पेंड होते हैं, और वो भी जब
जब इमरजेंसी किस आधार पर लगाई गई हो, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर। तो 358 और 359 इन दोनों में अंतर जरूर देख लीजिएगा। द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यही बात मैं आपसे भी कह रहा था, ठीक है। द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी सी होना चाहिए भाई, ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था क्या है, ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। भारतीय संसद की संप्रभुता, इस तब पे मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, संप्रभु नहीं है, क्योंकि हमारी संसद भी जो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, उसके अंतर्गत काम करती है। तो भारत में संप्रभु कौन है, क्या राष्ट्रपति संप्रभु है, नहीं, क्या संसद संप्रभु है, नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट संप्रभु है, नहीं। तो भारत में संप्रभु क्या मैं संप्रभु हूं, नहीं, आप नहीं। तो भारत में संप्रभु कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कलेक्टिवली संप्रभु, ठीक है। तो द विल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग सामूहिक रूप से उनकी इच्छा शक्ति संप्रभु है। वी कैन इवन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, बिल्कुल सही बात है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर, दैट इज डी ज्यूर एंड डी फैक्टो। डी ज्यूर का मतलब होता है नॉमिनल टिटुलर, दैट इज प्रेसिडेंट, एंड डी फैक्टो वास्तव में वो कौन है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड द लेजिस्लेचर, वेरी राइट, लेजिस्लेचर जगह लोकसभा लिखते तो और अच्छा हो जाता, कि जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा। तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही, आंसर शुड बी सी। निर्वाचन आयोग विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो दो तीन सवाल ऐसे जरूर आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे होते हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज पे होते हैं, तो ऐसे सवाल आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। द क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एट ऑल, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन क्या होंगे, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर दे आर इलेक्टेड बाई प्रेसिडेंट एंड इनका रिमूवल का प्रोसेस वही है, चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल का प्रोसेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस है, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। और यही वो है इलेक्शन कमिश्नर्स हु कैन वर्क अगेन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अदरवाइज अगर आप कैग देखेंगे, आप स्टेट पब्लिक सर्विस या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स देखेंगे तो वो दोबारा काम नहीं कर सकते राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं दे कैन अगेन वर्क अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। टेन्योर मेंशन है, टेन्योर भी मेंशन नहीं है, तो अगेन दूसरा भी गलत है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, कि एक बार ढंग से पढ़ लीजिए इलेक्शन कमीशन के बारे में, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी भी इलेक्शन हुए हैं। बाय दिस एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड, तो आपको याद है, ठीक है, जब बेसिकली रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बाद अंग्रेज घबरा गए थे, बहुत ज्यादा हबड़ा गए थे, ठीक है, तो उन्होंने जल्दी में एक एक्ट लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया भारत में, और उसके जो भी क्षेत्र थे जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, कहा नाउ इट इज अ सॉवरेन टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, अब ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेन टेरिटरी है, एंड नाउ द पीपल्स ऑफ इंडिया आर द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि अब जो भारत के लोग हैं वो ब्रिटिश ताज की प्रजा हैं। तो ये हमको कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का तरीका था कि अब तुम गुलाम नहीं हो, जैसे ब्रिटेन की महारानी की प्रजा ब्रिटेन के लोग हैं, वैसे आप अब हमारी प्रजा हो, ब्रिटेन की महारानी की प्रजा हो। और इसमें ढेर सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे, वायसराय आया, ठीक है, और उसके बाद 61 का एक्ट आता है और उसको विस्तार किया जाता है,
ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, आर्टिकल 25 to 28 25 से 28 में कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक कर आरोपित किया जा सकता है, भाई इतना तो हम ऐसे ही सही कर लेंगे। आप खुद बताइए कि राज्य हमारे ऊपर धार्मिक कर लगा सकता है कि आप हिंदू हो तो टैक्स दोगे, जैसे पहले जजिया टैक्स था, मुस्लिम हो गए तो आप टैक्स दोगे, ऑब्वियसली नहीं लगा सकता है। तो आंसर इज ओनली वन, लेकिन धर्म के आधार इस बार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई बार मैटर गया है, तो आप आर्टिकल 25 से 28 डिटेल में एक बार आप इन आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए। अनुच्छेद एक के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में क्या शामिल है? अब देखो यहां पर दो शब्द हैं एक्चुअली, एक है फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड अदर वन इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल वन क्या कहता है? इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, फिर कहता है द नेम है वो शेड्यूल वन में लिखे हुए हैं। फिर क्लॉज तीन कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड, भारत की राज्य सीमा में क्या क्या आएगा, राज्य आएंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी आएंगी, और वो सारे क्षेत्र आएंगे जो संघ समय समय पर स्वयं में शामिल कर रहा है, ठीक है, जिन्हें एसीड कर रहा है। लेकिन यहां पर टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरीज नहीं आती हैं, हमको पता है कि यूनियन टेरिटरीज के साथ जो संबंध है वो फेडरल रिलेशंस नहीं है, यूनिटरी रिलेशंस है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द सबॉर्डिनेट ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाइल गवर्नर इज नॉट द सबॉर्डिनेट ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट। तो गवर्नर राष्ट्रपति का अधीनस्थ अधिकारी नहीं है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राष्ट्रपति का अधीनस्थ अधिकारी है। ठीक है, राज्यों के राज क्षेत्र आएंगे, एरियाज दैट में बी अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, पहले अक्वायर्ड होंगे उनके साथ यूनिटरी रिलेशनशिप होगी, जैसे याद करिए सिक्किम को अक्वायर किया था, आर्टिकल 1A बनाया था, ठीक है, उसके बाद अमेंड किया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, तो आज सिक्किम भारत के साथ संघीय ढांचे में फिट हो रहा है, लेकिन जब सिक्किम को हमने जोड़ा था तो उस समय वो भारत संघ का भाग नहीं था। तो इसका आंसर सिर्फ वन होना चाहिए, वन ओनली, दैट इज ए। निम्नलिखित में किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य के राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है? तो आर्टिकल 3 में कहानी कही गई है कि संसद राज्य के नाम में क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, एक राज्य के टुकड़े कर सकती है, और इसका प्रावधान क्या होगा वो अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले ऐसा विधेयक राज्य विधानसभा के पास भेजेगा, वहां से अनुशंसा मांगेगा, अगर समय लगता है तो और टाइम ले सकता है, और उसके बाद, ठीक है, ऐसा विधेयक लिखा है वहां पर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसा कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया जा सकता है, तो पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। रिट अधिकारिता के संदर्भ में तो हमको पता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रिट अधिकारिता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास रिट अधिकारिता है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी कर सकता है जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, लेकिन हाई कोर्ट रिट तभी जारी कर सकता है जब मूल अधिकार और अन्य विधिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो। संसद के पास एक शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी रिट ज्यूरिसडिक्शन की अथॉरिटी दे सकती है। पढ़ते हैं, पार्लियामेंट कैन इंपावर एनी कोर्ट, तो वही लिखा हुआ है, पार्लियामेंट कैन इंपावर एनी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज रिट ज्यूरिसडिक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वेरी राइट, संसद के पास अथॉरिटी है, जो 5 रिट हमने पढ़ी है इन रिट्स के अलावा वो सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकती है, इवन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन 5 रिट के अलावा कोई और रिट भी जारी कर सकता है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली अंडर आर्टिकल 32 ओनली। साथ ही साथ संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट, किसी भी और कोर्ट को, ठीक है, रिट जारी करने की अथॉरिटी दे सकती है।
द हाई कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज. सेकेंड देखिए पहले, द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वाइडर सब थोड़ा सा ठीक है, तो इस अर्थ में तो बिल्कुल व्यापक है. जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है. इस संदर्भ में तो व्यापक है, लेकिन अगर हम ज्यूरिसडिक्शन देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उस राज्य के जो सीमा क्षेत्र है वही है. तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन अधिक व्यापक हो गई. लेकिन सामान्यतः जब यह सवाल पूछा जाता है तो यहां पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं देखा जाता है, यहां पर जो राइट्स हैं कि किन राइट्स के उल्लंघन पर रिट जारी की जा रही वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. तो वही सोच के सवाल बनाया गया है, और इस हिसाब से ऑप्शन टू बिल्कुल सही है. हाई कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट ज्यूरिसडिक्शन. देखो ये बात गलत है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट. तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो और कहते हो मेरे मूल अधिकार का हनन हो गया मुझे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट आपको सुनेगा, लेकिन हाई कोर्ट सुनने से मना कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन 226 में दिया हुआ है और 226 मूल अधिकार नहीं है. तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, इसका सही ऑप्शन हो गया 1 और 2. निम्नलिखित दिगमों पर विचार कीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और रिलेटेड आइडियोलॉजी. इस टाइप के सवाल कई बार पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, क्योंकि हमारे डीपीएसपी हैं. सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है, लिबरल आइडियोलॉजी है, गांधीवादी आइडियोलॉजी है, तो किस विचारधारा पे आधारित है. जैसे प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, गांधीयन आइडियोलॉजी बिल्कुल सही है. प्रोविजन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, तो गांधी जी एक्चुअली मद्यपान के खिलाफ थे, तो इट इज ऑल्सो कैन बी सेड एज ए गांधीयन आइडियोलॉजी ओनली, तो मुझे सेकेंड गलत लग रहा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सोशलिज्म आइडियोलॉजी नहीं है, इट इज एक्चुअली लिबरलिज्म आइडियोलॉजी. ये उदारवादी व्यवस्था के बारे में बात किया जा रहा है, तो फिर तो इसका आंसर ये हो गया ओनली वन. क्षेत्रीय परिषद की बात की जा रही है, क्षेत्रीय परिषद तो पता है हमको कि संविधान में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है. क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है जिनका गठन किया गया था, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 उसके तहत किया गया था, ठीक है. इट इज ए रिकमेंडेशन रिकमेंडेटिंग बॉडी, परामर्शदात्री निकाय है, और गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है. तो संवैधानिक निकाय बिल्कुल सही है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये गलत हो गया. इनके निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं, ये भी गलत है. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षेत्रीय परिषद की जो रिकमेंडेशन होती हैं बाध्यकारी नहीं है. तो इसका आंसर फिर जोनल काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे होंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया सांविधिक बॉडी हैं, क्योंकि दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. तो यहां पर एक्चुअली सांवैधानिक लिखा है, ठीक है, ये सांविधिक बॉडी है, तो दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज. तो फिर तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया. निम्नलिखित दिगमों पर विचार कीजिए, फिर से हमने संविधान का कौन सा भाग कहां से लिया हुआ है इस पे कंटिन्यूसली सवाल आपसे पूछते हैं. निम्नलिखित दिगमों पर विचार कीजिए, तो न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, एक बार इन सबको देख लीजिएगा, यहां से सवाल आते हैं और ऐसे सवाल है जो गलत नहीं होने चाहिए आपके. जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल सही बात है. नीति निर्देशक तत्व, तो डीपीएसपी कनाडा से नहीं लिया है, डीपीएसपी शायद आयरलैंड से लिया हुआ है, तो गलत हो गया. अवशिष्ट शक्तियों का विचार, जो रेजुडरी पावर्स हैं, जैसे हमको पता है कि रेजुडरी पावर्स वो पावर्स हैं जो शेड्यूल 7 की किसी भी लिस्ट में नहीं लिखी हुई है, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है. तो जो ऐसे विषय जो किसी भी लिस्ट में नहीं लिखे हुए हैं दे आर रेजुडरी पावर्स, और रेजुडरी पावर्स हमारे यहां संसद के पास शक्ति है उन रेजुडरी पावर्स पे कानून बनाने की, और ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है. हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आप याद करिए रेजुडरी पावर्स पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी, रेजुडरी पावर्स पे कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी, जिसे उसने वायसराय कहते थे, वायसराय के पास थी. तो इसका आंसर फिर ओनली वन हो गया, दैट इज ओनली वन.
और संवैधानिक निकाय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 338B, ये बिल्कुल याद कर लीजिए इवन किस ईयर में इसको संवैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कौन कौन सी स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय कौन से हैं, सांविधिक या विधिक निकाय कौन से हैं, और ये कौन से निकाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति या गवर्नर द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कार्यपालिका आदेश द्वारा बनाया गया है। तो 338 में याद करिए नेशनल एससी कमीशन है, 338A में नेशनल एसटी कमीशन है, और 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। राज्य लोक सेवा आयोग बिल्कुल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग फिर से स्टेट्यूटरी कमीशन है, सांविधिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी सांविधिक है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए एक बार, यहां से सवाल आएगा और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आई हैव डिस्कस 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर लिए हैं। डेली हम लोग यही करीबन 15-20 मिनट 20-20 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के डिस्कस करेंगे, तो जिससे जब तक आपका एग्जाम होगा डेफिनेटली करीबन हम 2000 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, थोड़े बढ़ा लेंगे किसी दिन। ठीक है, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आसपास मिलेंगे, अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।